और उसका पीछे असम का एक बहुत जोरदार बड़ा संगठन है जो आसू है, उसका नेतृत्व में आज प्रदीप हाजेला चल रहा है। असम में भारत का मूल निवासी जो शेड्यूल कास्ट का आदमी है वो लोग को वंचित करके आज एनआरसी तैयार कर रहा है। देखिए हमारे पास शब्द है जो एनआरसी का कट ऑफ मार्क दिया है 1971, और 1971 का पहले कोई भी डॉक्यूमेंट हो तो एनआरसी में अंतर्भुक्त हो सकता है। अर्थात यहाँ देखिए ये है एनआरसी 1951 का एनआरसी है, हमारे हाथ में मौजूद है और इसमें ये लिखा हुआ है एनआरसी नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप। ये रहने हुए के बाद उसका बेटा का एनआरसी आया है, वो मरा हुआ आदमी है, उसका बेटा का एनआरसी आया है लेकिन उसका नाते का एनआरसी नहीं आया है, एनआरसी का एनआरसी में नाम नहीं आया है। इसमें कितना बड़ा षड्यंत्र है, उसका बाप इंडियन है तो उसका 4 साल का बेटा फॉरेनर है। देखिए और इसका शपथ करने के लिए उसका बेटा इंडियन का शपथ करने के लिए फॉरेनर ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाके 4 साल को बेटा को शपथ दिलाना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, वकील पकड़ के उपयुक्त उसका प्रमाण देके बोलना शपथ मनाना पड़ेगा जय हाँ हमारा बेटा इंडियन है, बाप इंडियन है, 4 साल का बेटा है फॉरेनर। ये है भारत का इंडिया का संविधानिक का नीति, हम ओ बात नहीं बोल रहे। और है एनआरसी का कट ऑफ मार्क है 1971, इसमें देखिए 65 का वोटर डिटेल्स है, 65 से आज तक वोट दे रहा है 5 साल का बाद अगला 2019 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ है, ये आदमी वोट नहीं दिया क्या, वोट नहीं डाला क्या, ये आदमी जरूर वोट डाला है। 1965 से वो आदमी वोट डाल रहा है लेकिन उसको फॉरेनर डिक्लेयर दिया गया है, एनआरसी में नाम नहीं है तो फॉरेनर है। कैसे वो ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाएगा तो फॉरेनर है, फॉरेनर नहीं है तो ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाना नहीं पड़ेगा, उसको ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाके साबित करना पड़ेगा हम से 1965 से वोट दे रहा है और इसका हम सबूत दे के उसको फॉरेनर इंडियन साबित करना है। इसमें देखिए और है ये भी 1965 का वोटर डिटेल्स है, ये देखिए लैंड डॉक्यूमेंट है 1961 का है लैंड डॉक्यूमेंट, जो आदमी 1961 में लैंड खरीद सकता है वो कि 1961 में असम में बसिंदा है, वो कम से कम 10 साल पहले असम का बसिंदा है और उससे भी फॉरेनर डिक्लेयर दिया गया हुआ है। तो क्या बोलेगा, हम आज इस सभा के अवसर से सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट और सम्माननीय भारत सरकार को अनुरोध करता हूं, असम में क्या हो रहा है थोड़ा एक नजर डालिए, असम सरकार क्या बोल रहा है थोड़ा नजर डालिए। उस दिन अमित शाह जी गया है गुवाहाटी में, उस टाइम में पूछा है असम में एनआरसी क्या हुआ, असम सरकार बोला है असम में एनआरसी में 19,07,600 कितना विदेशी निकाल गया, लेकिन हमारा दर्दी सरकार असम का बीजेपी सरकार ये बात नहीं बोला है, हमारा जो इंडियन भाइयों हैं लाखों भाइयों का नाम एनआरसी से बात किया गया हुआ है और असम सरकार का बात मान के सम्माननीय गृह मंत्री जी बोला है
जो आदमी घुसपैठिया निकल गया है वो आदमी आसाम क्या आसाम का बाहर भी कोई भी राज्य में जगह में ही नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग को पास डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट रहने के बावजूद हम लोग को विदेशी बना गया हुआ है। हम ये बात नहीं बोलते हैं, हम लोग को नागरिकता दीजिए, एनआरसी का आधार से हम लोग को नागरिकता नहीं चाहिए। हम लोग को नागरिकता दीजिए जो संविधान का आधार है, 1955 का आधार है, वो आधार से हम लोग को नागरिकता दीजिए। एनआरसी ठीक दे हुआ हो, बीजेपी सरकार भी बोल रहे, हम लोग भी बोल रहे, हम लोग को एनआरसी नहीं चाहिए। हम लोग को चाहिए जो संविधानिक नीति है, जो जन्मगत अधिकार है, हम लोग भारत वर्ष में जन्म लिया है, हम लोग को नागरिकता चाहिए और संविधानिक आधार से हम लोग को नागरिकता दीजिए। और ये बात हम आज इस सभा के जरिए से बोल रहा है सम्माननीय भारत सरकार महोदय को और सम्माननीय असम सरकार को भी बोल रहा है, आज से हम लोग को एनआरसी कोई भी हो, हम लोग को संविधान का आधार में हम लोग को नागरिकता चाहिए। अगर नहीं दीजिएगा संविधान के आधार से नागरिकता, तो आज क्या, आज पहले बार हम लोग धरना में बैठा है, असम से आज दिल्ली तक आ सकता हूं, तो हम लोग इस बार क्या हर महीने में इस जंतर मंतर में धरना में बैठेंगे, तब भी कम नहीं हुआ, तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग शुरू करेंगे। सारा भारत वर्ष जुड़ के हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे। तो सम्माननीय भारत सरकार महोदय, हम वो बात दूसरा बात नहीं बोलेगा, दूसरा बात बहुत आदमी बोला है, समस्या का बात बोला है, समस्या हम बोलने से क्या होगा हर आदमी जानता है, इसलिए ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, इतना बल के ही हम आज का हमारा छोटा भाषण समाप्त करता है। जय भारत माता की, जय भारत माता की, प्रदेश खजला मुतपद, प्रदेश खजला मुतपद, नो सिटीजनशिप नो रेस्ट, नो सिटीजनशिप नो रेस्ट, नो रेस्ट नो रेस्ट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।